14 फेब को सबसे ज्यादा बुकिंग किस चीज की होती है? ओयो रूम्स। यार लड़की समझदार, मतलब तुम भी जाने वाली होगी? नहीं। तुम मेरे को झाड़ी पे लेके जाओगे तो बेहतर है ओयो रूम में जाओ, है? बुराई तो तब है जब आप झाड़ू के पीछे दीवार के पीछे जा रहे हो। ओयो रूम में जाओ, कोई बुराई नहीं भैया। क्या पब्लिकली आपकी कोई वीडियो बना के वायरल कर दे? बेहतर है ओयो रूम जाओ, सस्ते है, टिकाऊ है, जाओ बहनों जाओ। अच्छा ओयो की बुकिंग हो जाती है तो उसके बाद सबसे ज्यादा बिक्री किस चीज की होती होगी? ऑब्वियसली कॉन्डम। भाई तू बच्चा है क्या? तेरे को पता नहीं कि सारे सवाल मेरे जवाब मुझसे लेगा? मिल जाएगी कोई जल्दी भाई, उम्मीद करते हैं। तो हम भी कराएंगे बुकिंग ओयो की, और क्या। iPhone 11 है 12 के लिए करती कि 12 दे दे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय YouTube चैनल। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आलसी ब्लॉगर अश्वन यात्री, और दोस्तों मैं आपके लिए फिर से एक बार लेकर के आ गया हूं एक मजेदार स्ट्रीट इंटरव्यू। टॉपिक है मेरा 14th फेब यानी कि वैलेंटाइन डे, और लोगों के कितने मजेदार जवाब हैं और मजेदार सवाल हैं वो आप अभी वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आपको लेके चलता हूँ सीधा वीडियो में और लोगों से मिलवाता हूँ उनके फनी आंसर्स के साथ। 14th फेब आ रही है, क्या प्लान से? प्लान वो खुद कर लेगा। अच्छा, मतलब सारे प्लान उसी को करने हैं। आपने कुछ प्लान नहीं किया? नहीं। अच्छा तो गिफ्ट लोगे तो क्या गिफ्ट लेना चाहोगे? शॉपिंग। अच्छा शॉपिंग करवाना है, क्या क्या शॉपिंग क्या चाहोगे? क्लॉथ्स, शूज, क्लॉथ्स, शूज, और भी कुछ? वॉच। लिस्ट बढ़ती जा रही है। अच्छा बताओ। हाँ बस बस यही सब, क्लॉथ, शॉप, वॉच, मतलब लड़की खर्चीली है भाई, ये मतलब कटने वाला है अच्छे से बंदे का। अच्छा एक क्वेश्चन है साथ में कि 14 फेब को सबसे ज्यादा बुकिंग किस चीज की होती है? ओयो रूम्स। यार लड़की समझदार, मतलब तुम भी जाने वाली होगी? नहीं। झूठ, ये साफ झूठ है। प्लान तो हो गया। मैंने सच्चा बोल दिया कि मैं नहीं जाती। अच्छा अच्छा, क्या लगता है उस दिन सबसे ज्यादा क्या बिकता होगा? कॉन्डम। भाई अलग लेवल पे। अच्छा ऐसा क्यों लगता है? प्राइवेसी जरूरी है ना। अच्छा प्राइवेसी के साथ सेफ्टी भी जरूरी है। चलो अच्छी बात। अच्छा जो इस दिन मतलब एक होते हैं कुछ लोग जो निकलते हैं पब्लिकली कि ऐसा नहीं होने देंगे, हम अपने पार्कों में नहीं बैठने देंगे, कपल्स दिखते तो उनको पीटते हैं, देखा होगा ऐसे? क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी खुद की गर्लफ्रेंड्स तो होती नहीं, वो सिंगल होते हैं तो वो सोचते हैं कि दूसरों के भी ना रहे। नहीं वो तो भारतीय संस्कृति को बचाने की बात करते हैं, आप ऐसे कैसे ब्लेम कर रहे हैं? नहीं रीजन यही है, जेलेसी। अच्छा रीजन यही है जेलेसी। भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, भारतीय संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ जेलेसी है, उनकी बंदी नहीं है इसलिए वो लोग करते हैं, है ना? कोई प्लान्स हैं 14 फेब के लिए? हाँ प्लान्स तो हैं पर अभी थोड़ी लड़ाई चल रही है तो। ओह तो चलिए शॉर्ट आउट हो जाएगी। आपका कोई प्लान है? मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। ओह बेचारी रोती रहती है कि मेरे को कोई बंदा मिल जाए। वीडियो के बाद मेरे साथ ट्राई कर सकते हो? नहीं नहीं यार, मतलब नहीं करेगी वो, ऐसे नहीं है। मतलब ट्राई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, मैं भी सिंगल हूँ। चाहिए ही नहीं। मतलब मैं ही नहीं चाहिए या वैसे ही नहीं चाहिए? नहीं को कोई नहीं चाहिए। कल भी इसके पीछे एक लड़का पड़ा हुआ तो उसने उसको भी मना कर दिया, कह रही नहीं मुझे नहीं कर रही बात, आप मेरे पीछे मत पड़ो बस। ऐसे तो यार सिंगल ही रह जाओगे फिर आप। अच्छा चलो गिफ्ट क्या लेना पसंद करोगे? गिफ्ट मैं अगर उसको 10 रुपीज़ की चॉकलेट भी दूंगी उसको वो भी पसंद होगी। और आपको वो 10 रुपीज़ की चॉकलेट दे तो चलेगा? प्यार ही बहुत होता है, काफी है प्यार, आई थिंक सो। अच्छा वैसे तो आपका बॉयफ्रेंड नहीं है लेकिन अगर आप होता तो क्या गिफ्ट डिमांड करती? डिमांड मैं होती तो मतलब अगर अच्छा खासा होता गिफ्ट देने के लिए तो ऑब्वियसली 12 iPhone 11 है 12 के लिए करती कि 12 दे दे। भाई iPhone 11 है तो iPhone 12 ये सही है, बॉयफ्रेंड से अपग्रेड हो जाना, बॉयफ्रेंड के साथ साथ फोन भी अपग्रेड होना चाहिए। ऑब्वियसली होना ही चाहिए अपग्रेड। अच्छा क्या लगता है कि 14th फेब को सबसे ज्यादा बुकिंग किस चीज की होती होगी? ओयो ऑब्वियसली। मतलब भाई जनता पूरी जागरूक है दिल्ली में, सबसे ज्यादा बुकिंग ओयो की। अच्छा ओयो की बुकिंग हो जाती है तो उसके बाद सबसे ज्यादा बिक्री किस चीज की होती होगी? ऑब्वियसली कॉन्डम। एक तो ओयो की बुकिंग ज्यादा होती है, और हाँ ना जरूरी है ना, प्रोटेक्शन तो जरूरी है। हाँ। अभी इस एज में तो जरूरी है, जरूरी। अच्छा ऐसे लोग जो निकलते हैं सीरे नाम लेके बोलूं बजरंग दल टाइप्स, जो लोग मतलब कपल्स को देख के मारते कूटते पार्क में बैठे हुए कपल्स को, क्या लगता है वो वाकई भारतीय संस्कृति को बचाना चाहते हैं या फिर
वो सिंगल है इसलिए। क्या आपको क्या लगता है टाइम उनको खुद नहीं, उनको खुद नहीं मिलती होगी कोई, इसीलिए उनको दूसरों को देख के जलन मचती होगी, यार ये क्यों है ऐसे, मेरे को भी नहीं, मेरे को भी मिलनी चाहिए। अच्छा अगर उनको मिल जाएगी तो वो बजरंग दल छोड़ देंगे शायद, छोड़ दे क्या पता। और क्या पता पहले कुटाई करके आ जाए फिर अपनी बंदी के साथ जा रहे भाई। लड़कियों से तो बहुत पूछ लिया, सोचा किसी भाईजान से भी पूछ लिया जाए। भाई वैलेंटाइन डे पे अगर आपको कोई आपकी गर्लफ्रेंड हो तो क्या गिफ्ट लेना पसंद करोगे अगर वो आपको गिफ्ट दे दे? वॉच। वॉच, चलिए अच्छा। वैसे मैं जानना चाहता हूँ आपसे ये कि वैलेंटाइन डे पे सबसे ज़्यादा बुकिंग किस चीज़ की होती है? ओयो की। ओयो की, मतलब अभी तक सब नॉलेज वाले बंदे मिले, मतलब सबको जानकारी है। अच्छा ओयो रूम की बुकिंग हो जाती है तो कुछ फिर बिक्री किस चीज़ की होती होगी सबसे ज़्यादा? लेडीज सामान की, मतलब ओयो रूम की बुकिंग होने के बाद किस चीज़ की बुकिंग मतलब बिक्री होगी सबसे ज़्यादा, जानना तो मैं ये चाहता हूँ। सेफ्टी की। सेफ्टी की, डायरेक्ट बोलो भाई। सेफ्टी बोलेंगे भाई। सेफ्टी बोलेंगे भाई, हम बता देंगे सेफ्टी से आप समझ तो गए हो गए। चलो हम भी क्यों अपनी जुबान पे वो शब्द लेकर के आए, मतलब भाई जान लाना नहीं चाहते, तो चलिए कोई बात नहीं, सेफ्टी की होगी। अच्छा जो जिस तरह से कुछ दल हैं हमारे देश में जो भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए कपल्स को दौड़ाते हैं 14th February को बैठे हुए पार्क में बैठे हुए, वो लोग क्यों दौड़ाते हैं? मतलब भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए ही दौड़ा रहे हैं हकीकत में, या फिर उनको मिली नहीं है इस वजह से? क्या ये रीज़न है, क्या रीज़न मान? उनको मिली नहीं है लगता, उनको मिली नहीं है इसीलिए। हाँ जी क्या प्लान है 14th February को? मैं तो खुद ही कह रही हूँ कोई प्लान कर लो यार, तुम ही कर लो, कोई तो कर ले। नहीं कर लूँ मेरे साथ चलोगे डेट पे? हाँ श्योर, क्यों नहीं। सिंगल हो? हाँ तब डबल होती तो तुमको को पूछती क्या मैं? नहीं मतलब लड़कियाँ बहुत चंट होती हैं यार, उनका दो दो तीन तीन लौंडे घुमा ले। तुम सिंगल हो? मैं सिंगल हूँ। तो ठीक है फिर चल लो, फिर आगे की चिंता मत करो, आगे देखी जाएगी मैं डबल हूँ या सिंगल हूँ, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, इस वीडियो के खत्म करने के बाद हम लोग डेट पे चलेंगे। ओके ओके चलो, मजाक करी मैं, सच में नहीं जा रही गई, आप लोग समझो मैं इसके साथ निकल गई। मतलब एक तो मेरी वीडियो में मेरा ही काट रही हो है? भाई इसी से समझ लो कितना चंट होते लड़कियां, बोल रही है पहले डेट पे चलने के लिए अब काट रही है। अच्छा ये बताओ कि 14th February को सबसे ज्यादा बुकिंग किस चीज की होती है? ऑब्वियस ही बात है भाई, ओयो की होती है। तुम भी जाती होगी पक्का? जाने में कोई हर्ज तो नहीं है, तुम मेरे को झाड़ू से लेके जाओगे तो बेहतर है ओयो रूम में जाओ है। बुराई तो तब है जब आप झाड़ू के पीछे दीवार के पीछे जा रहे हो, ओयो रूम में जाने में कोई बुराई नहीं भैया, क्या पब्लिकली आपकी कोई वीडियो बना के वायरल कर दे, बेहतर है ओयो रूम जाओ, सस्ते है, टिकाऊ है, जाओ बहनों जाओ। सही है भाई, सजेशन मान लेना मैडम का और चले जाना ओयो रूम्स में। अच्छा अच्छा एक चीज और, अच्छा ओयो रूम्स में तो जाते ही है, क्या लगता है उस दिन सबसे ज्यादा बिक्री किस चीज की होती होगी? भाई तू बच्चा है क्या, तेरे को पता नहीं कि सारे सवाल मेरे जवाब मुझसे लेगा? नहीं नहीं मैं सुनना चाहता हूँ जनता के मुंह से, मेरे तो जवाब पता नहीं कैसे कैसे हो सकते हैं। मुझे मतलब पब्लिकली दिखाना कि कांडी लड़की है। चलो कोई नहीं भाई, सच बात तो ये कॉन्डम की सबसे ज्यादा बिक्री होती है 14th February को। ओयो रूम्स में जा रहे तो प्रोटेक्शन भी चाहिए ही चाहिए, सही बात बोल रहे हो। पता है इनको अगर ओयो रूम जा रहे तो प्रोटेक्शन चाहिए। मुझे तो बहुत कुछ पता है, तुम डेट पे चलती तो मैं तुम्हें और भी कुछ बताता। अब तुमने खुद ही वीडियो में ही काट रही है मेरा, तो क्या ही बताऊं मैं तुम्हें। भाई अगर आपकी गर्लफ्रेंड होगी या है तो और वो आपको कुछ गिफ्ट देना चाहे और आप क्या गिफ्ट लेना चाहोगे उससे? पहले तो उसका प्रॉमिस लेंगे कि मतलब लॉयल रहेगी नहीं रहेगी, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। सबसे पहले यार क्योंकि आजकल के टाइम में ऐसा है ना कि आजकल सब गांधी का खेल है, जिसपे ज़्यादा होती है तो उस पर चली जाती है, आजकल लड़की भी आजकल ही देख रहे हैं, तो चाहते हैं कि सबसे पहले ट्रस्ट हो, ट्रस्ट गिफ्ट में मिल जाए वही बहुत है, ट्रस्ट है, लॉन्ग लाइफ के लिए पार्टनर मिल जाए वो बड़ी बात है। चलो ये अच्छा है। अच्छा क्या लगता है 14th February को सबसे ज़्यादा बुकिंग किस चीज़ की होती है? क्या मतलब सुना नहीं, सबसे ज़्यादा बुकिंग किस चीज़ की होती है 14th February के दिन? 14th February की बुकिंग ओयो की होती है और किसकी होती है? सारे समझदार है, दिल्ली की जनता इस मामले में पूरी समझदार, सबको पता ओयो की होती दिल्ली है। समझदार है, दिल्ली समझदार है। अच्छा ओयो रूम की बुकिंग हो जाती है तो सबसे ज्यादा बिक्री किस चीज की होती होगी फिर? गुब्बारे की होती है और किसकी होती है? भाई नए नए वर्ड लेके आते, सीधा वर्ड भाई ये बात है, सीधा वर्ड कोई नहीं बोलता, गुब्बारे की बिक्री सबसे ज्यादा होती है। बहुत बहुत सही। अच्छा बजरंग दल टाइप लोग भी निकलते हैं पार्क में बैठे हुए कपल्स को परेशान करने के लिए, क्या लगता है कि वो वाकई में भारतीय संस्कृति को बचाना चाहते हैं या फिर कोई और रीज़न है? मेरे हिसाब से तो उन्हें खुद नहीं मिलती इसलिए वो दूसरे को परेशान करते हैं।
मतलब भाई सारी जनता जानती है कि कोई लेना देना नहीं, अगर उनको भी मिल जाए तो सब खत्म हो जाएगा, कोई किसी के पीछे लट लेके नहीं दौड़ाएगा। नहीं ये बॉस तो, ये बात तो है बॉस, ये बात तो है भाई, जनता का जवाब सही है। अच्छा गर्लफ्रेंड है? नहीं अभी तो नहीं है, सिंगल है अभी तो। मिल जाएगी कोई जल्दी भाई, उम्मीद करते हैं। हम भी कराएंगे बुकिंग, होगी और क्या। जरूर भाई, आप भी एक दिन बुकिंग जरूर करेंगे। थैंक यू। एक बार फिर मेरे साथ बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां आ गई हैं, उनसे पूछ लेते हैं 14 फरवरी का कोई प्लान है स्पेशल? फ्रेंड्स के साथ घूमना है बस। फ्रेंड्स के साथ घूमना है? हाँ यही चल रहा है, 14 फरवरी पूरा वैलेंटाइन वीक हम लोग साथ में घूम रहे हैं। अच्छा ये फ्रेंड्स वैलेंटाइन, इसलिए आज हम बाहर हैं। अच्छा तो सिंगल्स होंगे शायद? हाँ सब सिंगल हैं। चलिए सिंगल तो हैं लेकिन, अच्छा रिसेंटली, चलिए कोई बात नहीं, मतलब इस वीक में तो सिंगल होते नहीं है वैसे, फिर भी आप लोग हैं तो अगर हो तो सेल्फ लव मैटर्स। अच्छा ओके, अगर होता बॉयफ्रेंड तो क्या गिफ्ट लेना पसंद करती? टाइम, आई डोंट नो, कुछ एक्सपेंसिव सा। नहीं सोचा नहीं कुछ भी। कुछ भी सोचा नहीं? नहीं होता तो जरूर सोचती। हाँ अच्छा चलिए, शी इज इंटरेस्टेड इन नॉवेल गाइस। अच्छा तो ये इनको कोई प्यार भरा नॉवेल मिल जाता तो? बेबी वो तो सारे नॉवेल्स के कैरेक्टर मिला के एक होता तो फिक्शनस कैरेक्टर्स आफ्टर। चल अच्छा ये बताइए मुझे 14 फरवरी को सबसे ज्यादा बुकिंग किस चीज की होती होगी? फ्लास की बुकिंग? बुकिंग अच्छा सही है, दिल्ली की जनता समझदार है, लड़के भी समझदार, सब समझदार। अच्छा फरीदाबाद, एक्चुअली फरीदाबाद। चलिए कोई नहीं, हर जगह की लड़के हैं, इंडिया के लड़के समझदार हैं, ये कर लेते हैं ये ठीक। अच्छा चलिए ये तो आपने बता दिया कि 45 को बुकिंग ओयो की होती है, अगर ओयो की बुकिंग होती है तो फिर सबसे ज़्यादा बिक्री क्या चीज़ होती होगी? रोजेस, फ्लावर्स, हार्ट, रोजेस, कांट से दर नहीं समझ गए होंगे आ रहा दिमाग में। कह नहीं सकते, सबको पता ही चल गया होगा ओयो है तो क्या ही बुकिंग ज्यादा होगी, क्या ही बिकेगा मार्केट में, वहाँ पे वो टाइम स्पेंड भी कर सकते हैं। नहीं नहीं ये तो सोचने की बात है कि टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ऑन योर थिंकिंग, यू कैन थिंक अबाउट एनीथिंग। हाँ आपकी जुबान पे नाम आ रहा था। भाई बोलना नहीं है लेकिन पता है कि बिक्री क्या चीज होगी, बिना बोले समझी जाएगी, चली गई होगी सबको, बिना बोले समझा जाए। अच्छा ठीक है, बजरंग दल टाइप आपने सुना होगा कि जिस दिन कपल्स को देखते हैं पार्कों में तो लट लेके दौड़ा रहे होते हैं, तो ऐसे लोग, अच्छा ऐसे लोग इसमें किक है, इसमें किक है। अच्छा क्या लगता है वो वाकई अब उन्हें भी तो कोई काम चाहिए, अब वो उन्हें पकड़ेंगे नहीं तो उनके पास काम कैसे आएगा, उनका भी टाइम पास हो रहा है, उनका भी हो रहा है। अच्छा। और देखने वालों का भी टाइम पास हो रहा है, मतलब मजा सबको आ रहा है, पब्लिक पब्लिक को मजा आ रहा है पूरा। चलिए थैंक यू आप लोगों ने बात, थैंक यू। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो देख के अब आपको आया होगा मजा, और मजा आया तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और कॉमेंट करना मुझे बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने मज़ेदार चीज़ें आगे भी तो देखनी है और वो दिखाई देंगी सब्सक्राइब करने के बाद, तो सब्सक्राइब कर लो। और साथ ही यहाँ पे नीचे इंस्टा की आईडी आ रही है तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लें। फिर मिलेंगे किसी नए स्ट्रीट इंटरव्यू में मज़ेदार सवालों के साथ।